वेलकम टू माई चैनल आई एम टू ऑल द्लास ट्वेल्व फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स टू टूडे फाइनली वी विल बी कंप्लीटिंग अवर सिलेबस आज पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन का लास्ट चैप्टर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स तो बहुत ही जो है आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं तो आज ये चैप्टर को जल्दी से पढ़ते हैं और पूरे फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं ठीक है चैप्टर में आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग ट्रेनिंग मतलब क्या है आपको ट्रेन करना है जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइजेस करना डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आप ऐसी चीज़ें पढ़ोगे जिससे जो है एक एथलीट अपने आप को ट्रेन करते हैं अपने आप को फिजिकली फ़िट करते हैं ये आप जानोगे अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े आपने देखा कि एक एथलीट के लिए स्ट्रेंथ कितनी इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है एंड्योरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है कितने सारे फैक्टर्स हैं जो उनको अपनी हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीज़ें उन्हें मेनटेन करनी है आज आप जानोगे क्या क्या एक्सरसाइजेस क्या क्या ट्रेनिंग जो है एथलीट्स करते हैं तभी वो इतना फिट रहते हैं और तभी वो इतना अच्छा अच्छा परफॉर्म करते हैं ठीक है तो आज आप ये जानोगे क्या क्या ट्रेनिंग्स होती हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कौन कौन से मेथड्स होते हैं एथलीट्स को ट्रेन करने के दैट्स इट बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ठीक है सबसे पहला टॉपिक इसमें आपकी बार आप लोगों के लिए ऐड हो गया है जो हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट तो नाम से समझ जाओ कि इतना कुछ आप लोगों को पेचीदा नहीं करना है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है सुनके? कि भैया टैलेंट को आइडेंटिफाई करो हम ठीक है जानो भाई कि भाई टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब कि टैलेंट को जांचो परखो ढूंढो टैलेंट को तो वही होता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में कि बचपन से जो है या किसी भी इंसान के अंदर आइडेंटिफाई करना कि क्या इसके अंदर ये वाला टैलेंट है या नहीं तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अगर स्पोर्ट्स की हम बात करें रेफर्स टू सर्च ऑफ यंग एथलीट्स यंग एथलीट्स को सर्च करना जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो एक एलाइट एथलीट यानी कि एक नंबर वन एथलीट बन सकते हैं इन फ्यूचर तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स प्रोसेस रिकोगनाइज प्लेयर्स हैव द पोटेंशियल टू एक्सेल इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट तो जैसे कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है एक ऐसे एथलीट्स को पहचानना जिनके अंदर आपको समझ में आ जाए हमें नहीं आता कोचेस को आएगा गुड ट्रेनर्स को आएगा कि जो है उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ ये बच्चे में ये टैलेंट है ये डेवलप कर सकता है जैसे हमने एम एस धोनी वाली मूवी में देखा था कि उनके जो टीचर थे उन्होंने कितने अच्छे से उनका जो है टैलेंट को आइडेंटिफाई करा था ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम इंपॉर्टेंस क्या है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, है हमारी कंट्री के लिए हमारे वर्ल्ड के लिए गुड जो है टैलेंट को इससे डिस्कवर करा जाता है हिडन टैलेंट कोई बच्चे ऐसे होते हैं उनमें टैलेंट ही उन्हें खुद ही नहीं पता है बट अगर टीचर मोटिवेट करेंगे कोचेस मोटिवेट करेंगे उनको हेल्प करेंगे तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में वो खुद भी पहचान पाएंगे कि हाँ टैलेंट है ठीक है अर्ली सिलेक्शन यंग एथलीट टू डेवलप देयर अगर अर्ली एज में ही बच्चे का टैलेंट पहचान लिया जाए और उसे सही ट्रेनिंग दी जाए तो वो एक सुपर इंटरनेशनल प्लेयर भी बन सकते हैं ठीक है अर्ली ऑफ ऑफ एथलीट्स एरिया स्ट्रेंथ हेल्प्स टू टू आइडेंटिफाई द डिसिप्लिन विल बी बेस्ट सूट देम यानी कि जब उनका एक एक उनकी स्ट्रेंथ पता लगा ली जाएगी तो उन्हें वैसे ही ट्रेन करा जाएगा और वो उतनी डिसिप्लिन और उतने ही बढ़िया प्लेयर बनेंगे इट हेल्प टू डेवलप टॉप क्लास फ्यूचर एथलीट अपनी कंट्री में अगर हम जो है बचपन से ही बच्चों का आइडेंटिफाई करने लग जाए टैलेंट तो वो टॉप क्लास प्लेयर्स हम उन्हें बना सकते हैं क्योंकि जब बचपन में ही उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी तो वो वैसे ही चलते हुए जाएंगे आगे तक और बढ़िया एक हमारी कंट्री के लिए फ्यूचर एथलीट बनेंगे ठीक है इट इंक्रीजेस एथलीट्स कॉन्फिडेंस बचपन से ही कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ जाएगा अगर उनके अंदर सुपीरियर केबेबिलिटी है तो फिर हम उनको फाइन भी कर सकते हैं नर्चर भी कर सकते हैं ठीक है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है हेल्प करता है अगर हम अर्ली एजेस में टैलेंट आइडेंटिफाई कर ले ठीक है अब टैलेंट को आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करा जाता है वो बताया था पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई टैलेंट्स इन स्पोर्ट्स तो सबसे पहले फ़िजिकल करेक्टरस्टिक्स पे कि जो है मसल साइज़ेस कितना है स्ट्रेंथ कितनी है मेच्योरिटी लेवल कितना है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि स्पीड कैसी है फिटनेस लेवल क्या है और जो है साथी के साथ में नॉलेज कैसी है उस बच्चे को गेम्स की स्पोर्ट्स की एटीट्यूड एंड डिज़ायर ये भी देखा जाता है कोई बच्चा गेम तो अच्छा खेल रहा है बट उसका मन भी है उस फील्ड में जाने का या नहीं अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन रिलेटेड टू गेम्स की वो उस गेम के लिए उसका परसेप्शन क्या है क्या वो उस गेम को अच्छा मानता है क्या वो उस गेम को आगे चल के अपना करियर बनाना चाहेगा क्या वो उस गेम के लिए इतना इंटरेस्टेड है ये सब कुछ पैरामीटर्स में देखे जाते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में ठीक है अभी और मैं ऐसे डिटेल में आपको बताती हूँ प्रोसेस क्या होता है टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का तो बेसिकली पाँच स्टेजेस में चलता है टैलेंट आइडेंटिफाइकेशन का प्रोसेस सबसे पहले डिटेक्ट करा जाता है कि भाई हाँ यहाँ पे इस बच्चे में टैलेंट है दिस इज द डिस्कवरी ऑफ पोटेंशियल परफॉर्मर्स हु आर नॉट करेंटली इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स यानी कि वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है कहीं से कहीं तक बट आपने डिटेक्ट कर लिया है सपोज करो आपने देखा कि यार ये बच्चे को आपने फील्ड पर ऐसे ही भागते हुए देख लो आपने देखा यार इसकी रनिंग बहुत तेज है इसकी स्पीड बहुत तेज है आपने डिटेक्ट कर लिया ठीक है देन आइडेंटिफिकेशन रिकोगनाइजिंग पार्टिसिपेंट्स विद द पोटेंशियल एट एन अर्ली एज टू बिकम एलाइट लाइट परफॉर्मेंस इट इज़ लाइक डिटेक्शन ओनली बट देन आइडेंटिफाई प्रॉपर आपने कर लिया कि हाँ ये बच्चे में हमने बहुत जांच पर रख लिया है दैट ये इसके अंदर आइडेंटिफाई अब हम कर चुके हैं कि इसमें काबिलियत है कि ये आगे चल के बहुत बढ़िया प्लेयर बन सकता है ठीक है देन देयर इज़ द टैलेंट डेवलपमेंट कि फिर भैया जब आप उस बच्चे को जो है बात करो उससे उससे उसकी नॉलेज लो अगर वो भी चाहता है देन आप उन्हें सूटेबल इन्वामेंट प्रोवाइड करो जिससे वो अपने स्किल्स को अपना जो टैलेंट है उसे और नर्चर कर पाए उसको ट्रेनिंग करना आप स्टार्ट करो देन टैलेंट सेलेक्शन द ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफी Individual at various stages of development. ठीक है यानी कि आप टैलेंट को सिलेक्ट करोगे ठीक है ये इस लेवल के स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया है ये इसको आप आगे जब आइडेंटिफाई कर लिया ट्रेन कर लिया उसके बाद फर्दर आप सिलेक्ट करो एंड लास्ट इज द टैलेंट ट्रांसफर ठीक है फोकस इज ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पोर्ट टू अनदर स्पोर्ट्स वेयर देर आर मोर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू सिक्स यानी कि कुछ ऐसे टैलेंट हो सकता है किसी एक, एक एथलीट के अंदर कि भाई वो एक स्पोर्ट्स में अच्छे हैं बट वो दूसरे स्पोर्ट्स में उससे भी अच्छा कर पाएंगे तो उनको फिर उस स्पोर्ट्स को खिलवाया जाए और जो है फिर उनको टैलेंट को उसको ट्रांसफर कर दिया या फिर एक टाइम पे उन्हें दो स्पोर्ट्स खिलवाए जाए और दोनों से उन्होंने कोई ना कोई मदद करी है दूसरे वाले स्पोर्ट्स को परस्यू करने के लिए ठीक है तो फाइव स्टेजेस होते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के इंपॉर्टेंस क्या है ग्रेट टैलेंट डिस्कवर होता है हिडन टैलेंट को आप रिकोगनाइज कर सकते हो बाई रिकोगनाइजिंग टैलेंट एट अर्ली एज बढ़िया तरीके से स्किल को आप नर्चर कर सकते हो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हेल्प इन फाइंडिंग अ सिग्निफिकेंट एसेट्स फॉर आर कंट्री ठीक है अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल क्या होती है ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे एथलीट्स को या किसी भी इंसान को ट्रेन करा जाता है अब ये ट्रेनिंग साइकिल जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है ड्यूरेशन की होती है तीन uh, टाइप के ड्यूरेशन की साइकिल आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे भी कॉम्पिटिशन आने वाला होता है तो उस कॉम्पिटिशन के लिए आपने देखा मूवीज आप देखते हो अगर कोई कि कोई एथलीट कितने पीछे भी यहाँ आपको दिखाया जाता है कितनी प्रैक्टिस होती है वो स्टॉप वॉच लेके जो है उनके साथ में उनके ट्रेनर होते हैं वो देखते वो बार बार देखते हैं कि वो सही से नहीं कर पा रहे हैं वो कितनी मेहनत करता है कोई भी कोई आप मूवी देखो किसी स्पोर्ट्स पर्सन पे रिलेटेड आपने कोई बायोपिक देखी हो कोई देखी हो उसमें देखते yes. हो आप एक एथलीट की तो वही ट्रेनिंग साइकिल्स होती हैं। तो आज आप जानोगे तीन ट्रेनिंग साइकिल्स के बारे में जो स्पोर्ट्स में होती है एक माइक्रोसाइकिल मीजो साइकिल माइक्रोसाइकिल तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम माइक्रोसाइकिल के बारे में माइक्रो जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है माइक्रोस मतलब स्मॉल माइक्रो मतलब एक ग्रीक वर्ड से डिफाइन हुआ जिसको हम कहते हैं स्मॉल अब माइक्रोसाइकिल जो होती है ये तो वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एक एथलीट के लिए ठीक है अप टू सेवन डेज सात दिनों का होता है ये सेवन डेज के काफी छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है और ये इनिशियल होता है जब कोई भी स्पोर्ट्स में किसी को जाना है प्रोसेस को माइक्रोसाइकिल टूल ऑफ प्लानिंग प्लानिंग के लिए सबसे पहले आप सब डायरेक्टली कहते हैं ना बहुत बड़े गोल्स नहीं बनाने चाहिए एकदम से पहले छोटे से शुरुआत करनी चाहिए तो माइक्रोसाइकिल से शुरुआत होती है बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसका जो कंटेंट होता है वो क्वालिटी ट्रेनिंग को डिटरमाइन करता है यानी कि स्टार्टिंग धीरे 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 डे स्टार्ट करा है काफी अच्छा स्टार्ट करता है प्लेयर समझ पाता है क्या करना क्या नहीं करना एंड देन वो आगे बट और जो है जो ज्यादा टाइम पीरियड की साइकिल होती है उनको भी परफॉर्म करते हैं ठीक है, है? माइक्रोसाइकिल के बाद हम पढ़ते हैं मेजोसाइकिल मेजोसाइकिल रिफरेंस ऑफ फेज ऑफ ट्रेनिंग विद ड्यूरेशन ऑफ दो से छः हफ्ते दो से छ हफ्ते की होती है मेजो साइकिल इसको हम जो है कंटिन्यूस वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं यानी कि ये कंटिन्यूस वीक्स तक चलती है ठीक है मसल मास एंड एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ठीक है इसमें क्या होती है इस माइ साइकिल के अंदर चार से छः माइक्रोसाइकिल होती है मतलब समझ जाओ यार दो से छ हफ्ते तक हो रही है माइक्रोसाइकिल सात दिनों की होती है तो कम से कम छः दो चार जो आप मान लो या चार से छः माइक्रोसाइकिल्स मीजो साइकिल में कंप्लीट हो जाती है ठीक है अब आता है हमारा नेक्स्ट माइक्रोसाइकिल माइक्रोसाइकिल इज एनुअल प्लान ईयर लॉन्ग जो ट्रेनिंग चलती है उसे हम माइक्रोसाइकिल कहते हैं मोर देन 52 वीक्स की होती है ये दैट वर्क टूगेदर पीकिंग फॉर द गोल कॉम्पिटिशन ऑफ द ईयर जो अगले साल कॉम्पिटिशन होने वाला है पूरे साल जो तैयारी चलती रहती है उसको हम मैक्रोसाइकिल कहते हैं इसमें प्रिपरेशन होता है कॉम्पटिशन होता है एंड वैन देर इज अ ट्रांजेसन तो बेसिकली मैक्रोसाइकिल पूरे साल जो ट्रेनिंग चलती है उसको हम कहते हैं मैक्रो साइकिल ठीक है तीन टाइप की साइकिल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हम अब पढ़ेंगे सारे के सारे जो कॉम्पोनेट्स हमने पढ़े हैं ना फिजिकल फिटनेस के ठीक है जैसे स्ट्रेंथ हो गया हमने पढ़ा चैप्टर फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स में फिर हमने एंडियोरेंस पढ़ा था उसमें तो आप जानोगे स्ट्रेंथ कितने टाइप्स की होती है इसमें स्ट्रेंथ क्या है और कैसे कौन से कौन सी एक्सरसाइजेस से जो हमारी एथलीट है वो अपनी जो है स्ट्रेंथ बनाते हैं फिर आप एंड्योरेंस जानोगे एंड्योरेंस कितने टाइप का होता है और कैसे एंड्योरेंस जो है बिल्ड करा जाता है कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है ट्रेनिंग है जिससे एंड्योरेंस बिल्ड करा जाता है तो स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ क्या है स्ट्रेंथ मतलब ताकत तो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस ये एक सिंपल डेफिनेशन है स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ होल बॉडी और एनी पार्ट टू एग्जर्ट फोर्स स्ट्रेंथ में क्या आप अपनी ताकत लगा रहे हो ना आप अपनी बॉडी की फोर्स लगा रहे हो स्ट्रेंथ में आप क्या करते हो मसल की फोर्स लगा रहे हो मैं आपको कह रही हूँ दैट ये एक बहुत बड़ा सा टेबल है आपको इसको उठा के वहाँ साइड में रखना है ठीक है आपको एक जो है आपको वेट लिफ्टर्स की आप स्ट्रेंथ देखते हो वो इतने भारी भरकम वेट को ऐसे उठा लेते हैं ठीक है तो वो क्या कर रहे हैं वो अपने मसल से एग्जर्ट कर रहे हैं फोर्स तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्यों स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ होल बॉडी और एनी पार्ट टू एग्जर्ट फोर्स ठीक है तो एक डेफिनेशन आपको जो है स्ट्रेंथ की लर्न कर लेनी है स्ट्रेंथ मतलब कि आपके मसल कितनी फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं ठीक है जिसमें जिसके मसल्स में बहुत स्ट्रेंथ होती है वो बहुत एग्जर्ट कर सकते हैं फोर्स उनमें बहुत स्ट्रेंथ होती है और अगर किसी को मारा दिया उन्होंने तो उसे बहुत चोट पहुंच जाएगी ठीक है चलो अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ कितने टाइप्स की होती है स्ट्रेंथ सबसे पहले टाइप पढ़ेंगे हम इसका नाम से समझ में आ रहा है कितनी ज़्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ एक इंसान जो है इम्पोज कर सकता है कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोर्स जो एग्जर्ट कर सकता है आपका मसल उसे हम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है ठीक है देन आता है एक्सप्लोजिवस स्ट्रेंथ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटीज यानी कि सडनली सडनली जब explosive मतलब suddenly जब मतलब होता है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगाने की जो है है जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इट इट इज इज ऑफ एंड स्पीड एबिलिटीज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड यानी कि आपको जब आप स्प्रिंट रेस करते हो तो उस समय आपको अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की जरूरत है जो स्प्रिंट रनर्स होते हैं हो, उन्हें क्या करना होता है बहुत तेज भाग के जाना होता है तो उस समय पे उनको एक्सप्लोजिव स्पीड भी चाहिए कि वो जल्दी तेजी से भाग भी पाए और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी चाहिए कि वो स्पीड में भागने के लिए उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए ना ताकत होगी मसल ही तो फोर्स एग्जर्ट करेंगे देन वो भाग रहे हैं तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन होती है एक्सप्लोजिव स्पीड के लिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड आपको रेजिस्टेंस आपको रोका जा रहा है आपको फटिक होगा आपको थकान होगी बट आपको रुकना नहीं है आपको तेज़ भागते रहना है तो उसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ काम हो गती है फॉर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलपमेंट अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस करी जाती है देन स्ट्रेंथ इंडियोरेंस इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेन रेजिस्टेंस अंदर कंडीशन ऑफ फेटिंग ये तीसरे टाइप की स्ट्रेंथ होती है जब बहुत फेटिग हो रहा हो जब बहुत थकान हो रही हो उस समय में स्ट्रेंथ को इंड्योर करना अपनी स्ट्रेंथ को लगातार उस समय पर कंटिन्यू रखना कि यू आर वेरी टायर्ड आपको टायर्ड महसूस ना हो आपको उस समय पे भी अपनी फोर्स एग्जर्ट करनी और आपको अपनी जो है ताकत दिखानी है आपको अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी तो ये तीन टाइप की स्ट्रेंथ होती है पहली मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिसमें बॉडी की फुल फोर्स का फुल स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन होता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जहाँ पे आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको हाई स्पीड में भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा एंड द थर्ड वन इज सिंपल स्ट्रेंथ इंडियोरेंस जहाँ पे फैटीग में भी चाहे आप थक रहे हो बट आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको लगातार लगाना होगा फोर्स को एग्जर्ट करना होगा दिस इज द स्ट्रेंथ इंड्योरेंस ठीक है आप क्या क्या तरीके होते हैं हमारे पास में स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के तो तीन तरीके होते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आइजोटोनिक एक्सरसाइजेस और आइजोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस तो चलो पढ़ते हैं हम सबसे पहले आइजोमेट्रिक एक्सरसाइजेस तो आइजोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आइजो और मेट्रिक वर्ड से मनी आइजो मतलब होता है सेम एंड मेट्रिक मतलब होता है लेंथ ठीक है मीन्स ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं इनमें वर्क डन आप रिकोगनाइज नहीं कर सकते हो जैसे कि जैसे इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि क्या काम हुआ है दिस एक्सरसाइजेस रिक्वायर लेस टाइम एंड इक्विपमेंट लेस टाइम चाहिए लेस इक्विपमेंट चाहिए कहीं पे भी आप इन्हें परफॉर्म कर सकते हो अभी मैं इनका अच्छे से डेफिनेशन बताती हूँ आप भाई वो एक्सरसाइज है जहाँ पे वर्क डन जो है विजिबल नहीं है डायरेक्ट मूवमेंट आपको विजिबल नहीं हो रही है जैसे कि आप देख रहे हो कि कोई एक एथलीट है वो एक वॉल को यू पुश कर रहे हैं अब भाई क्या वॉल को पुश तो नहीं हो जाएगी तो आपको वर्क डन नहीं दिखेगा कि क्या वर्क हुआ है इसके अंदर वॉल को पुश थोड़ी हो गई है ठीक है बट फिर भी आपकी बॉडी एक्जर्ट कर रही है फोर्स बट वो वॉल वहीं की वहीं रहेगी इस एक्सरसाइज में फायदा किसको पहुंचेगा? आपके मसल को पहुंचेगा, जो मसल में टेंशन क्रिएट हुई उससे मसल आपके जो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी तो मेट्रिक एक्सरसाइजेस में क्या है आपको वर्क डन दिखाई नहीं देता है ठीक है ये अलग अलग टाइप तरीक़ों से जो है आपको इसमें ये नहीं दिखाई देगा कि अच्छा हाँ एक्चुअली में क्या हुआ है ये किस टाइप के है? जैसे आपको बता रखा है प्लैंक पोस्ट वॉल पे सेट साइड प्लैंक पोज इस तरीके की एक्सरसाइजेस को हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं जैसे वॉल को पुश करना वॉल को पुश करने से क्या होगा मसल के अंदर टेंशन क्रिएट होगी इससे आप स्ट्रेंथ हो जाएगी आपके अंदर पावर इंक्रीज हो जाएगी बट आपको सामने से कोई दिखाई नहीं देगा कि रिजल्ट

टोनिक मतलब टोन हो जाना ठीक है ये एक्सरसाइजेस वो होती है जिसमें मूवमेंट डायरेक्टली विजिबल होगी आपको मसल की लेंथ आपको अच्छी बढ़ती हुई दिखेगी अच्छी चेंज होती हुई दिखेगी फॉर एग्जाम्पल वेन वी थ्रो अ बॉल जब हम बॉल थ्रो कर रहे हैं तो आपको बॉल मूव होती हुई दिख रही है जब आप जंप करो आपको बॉडी जंप होती हुई दिख रही है वेट ट्रेनिंग करना ये सब एक्सरसाइजेज़ होती हैं आइजोटोनिक एक्सरसाइज ये वाली एक्सरसाइजेज जो होती है हर स्पोर्ट्स फील्ड में जो है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए करी होती हैं इनके इक्विपमेंट के साथ भी कर सकते हैं बिना इक्विपमेंट के साथ भी कर सकते हैं इनका रिजल्ट क्या होता है आपके मसल्स टोन हो जाएंगे और आपकी बॉडी पे विजिबल इनका इफ़ेक्ट दिखता है आइजोटोनिक एक्सरसाइज का ठीक है इनमें मूवमेंट डायरेक्टली देखी जाती है आइजोटोनिक एक्सरसाइज़ में जब कोई आइजोटोनिक एक्सरसाइज करता है तो उसकी बॉडी का जो मसल्स है वो डिफाइन हो जाते हैं ऐसे बाई सेल्स बन जाएंगे पूरा आपको दिखाई देने लग जाएगा बॉडी के अंदर चेंजेस दीज एक्सरसाइजेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्पोर्ट्स की फील्ड में स्पोर्ट्स में और इनको जो है सबसे जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करा जाता है ये बेस्ट मेथड है स्ट्रेंथ डेवलप करने का एग्जाम्पल क्या है रनिंग करना जंपिंग करना वेट ट्रेनिंग करना ये सब क्या है आइजोटोनिक एक्सरसाइजेस जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हो डम्बल उठा के वेट्स आप जो है वेट uh, ट्रेनिंग करो रनिंग करो जंपिंग करो इसमें आपको क्या वर्क डन दिखाई दे इंसान भागा आपको पता है इतने किलोमीटर भागा इतने मीटर भागा ठीक है जंपिंग में आपको दिखाई दे रहा है तो ये सब क्या हो गई हमारी आइज़ोटोनिक एक्सरसाइज इसके बाद जब मसल्स बिल्ड होंगे यू हैव यू विल बी एबल टू सी ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है आइजोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज ठीक है दीज एक्सरसाइजेस को इंट्रोड्यूस करा था जे जे प्रेनी ने इन नाइनटीन में दीज आर स्पेशली डिज़ाइंड विद मशीन इनको हम मशीन में करते हैं और ये आइज़ोटोनिक आइजोमेट्रिक के कॉम्बिनेशन है ठीक है अब ये मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइजेज बनाई गई हैं काइनेटिक एक्सरसाइज होती है, है कि ये मशीनों की मदद से की जाती हैं ठीक है अलग अलग मशीन होती है इक्विपमेंट्स होते हैं उन पर यह आइज़ोकाइनेटिक एक्सरसाइज की जाती है इनको करने की ज़रूरत क्या है ये रोइंग जैसे जैसे कि वो बोट को करना होता है स्विमिंग जैसे स्पोर्ट उनके लिए उनके हैंड्स क्या है मोशन में है और उस समय पर उनको जो है एक्सर्ट करनी है अपनी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ लगती है ना पूरी बॉडी को स्विम करते हुए आगे ले जाना है तो इसीलिए ये वाली इसमें ट्रेनिंग होती है आइजोकाइनेटिक एक्सरसाइज मशीनों के थ्रू ये की जाती है ठीक है चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो आता है हमारा एंड्योरेंस एंड्योरेंस क्या होता है एबिलिटी टू रेजिस्ट फटी कि आपको थकावट ना हो यू शुड नॉट फील टायर्ड टायर्ड हो भी तो आपकी बॉडी इतनी प्रिपेयर्ड हो दैट आप टायर्ड होने के बावजूद जो है अपनी परफॉर्मेंस दे पा रहे हो स्पोर्ट्स फील्ड में आप देखते हो भाई जो एथलीट्स होते हैं वो कितनी कितनी देर तक दे आर प्लेइंग द गेम और जो है इंड्योरेंस है उनमें तभी तो आप किसी रनर को देखते हो इतने मीटर्स वो भागते रहते हैं और वो थकते नहीं हम सोचते नहीं वो थकते थे पहले उन्होंने खुद की बॉडी को ट्रेन करा तभी जो है उनके अंदर इंड्योरेंस इतनी बिल्ड हो चुकी है दैट दे डोंट फील टायर्ड और वो जो है गेम को अपने फिनिश करते ठीक है तो जो है इंड्योरेंस होना किसी भी एथलीट के लिए बहुत जरूरी है इंड्योरेंस की एक सिंपल डेफिनेशन अगर आप अगर आप देखो तो एबिलिटी टू सस्टेन एनी एक्टिविटी जो अभी एक्टिविटी है उसको सस्टेन करना ये नहीं है भैया गेम आठ घंटे तक खिंच गया तो भाई मैं तो थक गया मेरे से तो खेला नहीं जा रहा नहीं इंड्योरेंस एथलीट्स में बिल्डअप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो सबसे पहले हम जानते हैं इंड्योरेंस के टाइप ठीक है तो इंड्योरेंस मतलब आप स्टेमिना भी कह सकते हो कि स्टेमिना कितना है प्लेयर का तो हर प्लेयर का इंड्योरेंस होना बहुत जरूरी है सबसे पहला टाइप ऑफ इंड्योरेंस में आता है गाइस हमारा बेसिक इंड्योरेंस ठीक बेसिक इंड्योरेंस मतलब एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स इन विच लार्ज नंबर ऑफ बॉडी मसल्स आर इन्वॉल्व यानी कि बहुत सारे बॉडी मसल्स जिस मूवमेंट जो है जिस भी एक्टिविटी में यूज हो रहे हो उस एक्टिविटी को आप ज्यादा देर तक कर पाओगे तभी जब आपके अंदर बेसिक इंड्योरेंस होगी जैसे जॉगिंग करनी है बहुत देर तक जॉगिंग करनी है बेसिक इंड्योरेंस है तो आप जॉगिंग कर पाओगे वॉकिंग स्लो रनिंग स्विमिंग के अंदर बेसिक इंड्योरेंस की नीड होती है जिसमें बॉडी मसल्स जो है उनको स्लो पेस पे लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आपको यूज़ करना हो तो उसके लिए आपके अंदर बेसिक इंड्योरेंस हो जैसे वॉकिंग करनी है बहुत देर तक आप चल रहे हो इसमें बॉडी बहुत ज़्यादा फोर्स एक्जर्ट नहीं कर रही है धीरे धीरे आपकी फोर्स आ जा एग्जर्ट हो रही है स्लो रनिंग हो गई स्विमिंग हो गई इसमें आपको बेसिक इंड्योरेंस की जरूरत है इसमें मसल्स मूव तो हो रहे हैं बट बहुत ज़्यादा फोर्स एक्जर्ट नहीं करे तो आपको जब ज़्यादा देर तक स्लो पेस पर अपनी जो है स्ट्रेंथ एग्जर्ट करनी होती है तो उसको हम बेसिक इंड्योरेंस कहते हैं ठीक है थीके? बेसिक इंड्योरेंस के बाद आता है स्पीड इंड्योरेंस इट इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट रजिस्ट इन एक्टिविटीज लास्टिंग अप टू 45 फाइव से स्पीड इंड्योरेंस यहाँ पे आपको जिस एक्टिविटी में स्पीड मेंटेन करनी अपने, हो अपनी जैसे स्प्रिंट रेसेस हो गई उसमें आप अपनी इंड्योरेंस मेंटेन कर पाओ लास्ट वन इज द जनरल इंड्योरेंस जनरल इंड्योरेंस मतलब कि कोई भी एक्टिविटी में आप अपना जो है स्टेमिना मेंटेन कर पाओ इंड्योरेंस मेंटेन कर पाओ जिसमें जो है एनोरोबिक और एनोरोबिक दोनों नेचर की हो उसमें जब आप अपना जो है स्टेमिना मेंटेन कर पाओ उसको हम कहते हैं जनरल जनरल सब में जनरल इंड्योरेंस कैसी भी एक्टिविटी हो हाई इंटेंसिटी की हो लो इंटेंसिटी की हो लॉन्गर ड्यूरेशन की हो जब लंबे समय तक की कोई एक्टिविटी हो उसमें अगर आपको अपना स्टेमिना मेंटेन करना है इंड्योरेंस मेंटेन करना है उसको हम कहते हैं जनरल इंड्योरेंस अब जो है ये इंड्योरेंस को बिल्ड करने के चाहे जो है क्या क्या टाइप के आपके पास मेथड्स होते हैं अब हम वो जानेंगे तो बुक में हमारे को कॉन्टिन्यूस मेथड में दो बता रखे हैं स्लो और फास्ट तो मैं बुक के हिसाब से मैं आपको सारे मेथड करा रही हूँ तो इंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है कॉन्टीन्यूअस मेथड और जैसे कि इसका नाम बता रहा है कंटिन्यूटी मतलब कि कोई भी टास्क को आपको कोई एक्सरसाइज है कोई भी टास्क है वो लॉन्गर टाइम तक आप करोगे बिना कोई रेस्ट लिए ठीक है अब इसमें पहला होता है स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड दूसरा होता है इसमें फास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि काम करना है एक स्लो slow में स्लोली होगा फास्ट कॉन्टिन्यूअस में फास्ट होगा ठीक है तो पहले पढ़ते हैं हम स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड रीड करूंगी फिर समझाऊंगी इन दिस मेथड द एक्टिविटीज परफॉर्म एट अ सर्टेन स्पीड विदाउट एनी ब्रेक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्लो कॉन्टीन्यूअस मेथड में क्या होता है एक्टिविटी ऐसे नीचे साइड में नोट्स बना लो एक्टिविटी जो है परफॉर्म की जाएगी सर्टेन स्पीड पे विदाउट ब्रेक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्लो so, कॉन्टिन्यूस में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक एक्टिविटी को जो है सर्ट इन स्पीड पे स्पीड सेम रहेगी किया जाता है ठीक है द स्पीड ऑफ एक्सरसाइज इज यूजअली डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू हार्ट रेट अब वो स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड में स्पीड क्या रहेगी जो है एक्सरसाइज की वो हार्ट रेट के हिसाब से होती है एक ट्रेन एथलीट की हार्ट रेट होती है 140 से 160 सिक्सटी बीट्स पर मिनट ड्यूरिंग द एक्टिविटी ठीक है तो द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग शुड नॉट बी लेस देन तीस मिनट तो इसलिए ये आधे घंटे की होती है जैसे कि वॉकिंग हो गई रनिंग हो गई साइकिलिंग हो गई आधे घंटे तक ये होता है स्लो कॉन्टिन्यूअस मेथड ठीक है कॉन्टिन्यूअस मेथड की बात करते हैं तो उसमें जो है एथलीट का हार्ट रेट हो जाता है 175 सेवेंटी फाइव टू वन बीट्स पर मिनट ठीक है तो इसकी जो एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन होगी वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी आधे घंटे से थोड़ी कम देर के लिए ये करवाई जाती है ठीक है फ़ायदे क्या है एडवांटेजेस क्या है इस जो है कॉन्टिन्यूस मेथड के डूइंग वर्क इन स्पाइट ऑफ बींग टायर्ड द विल टू वर्क जैसे कि साइकिलिंग कराई जा रही है आधे घंटे तक करनी है ठीक है उनके हार्ट बीट्स चेक करके की जाती है ये ठीक है ज़्यादा देर तक साइकिलिंग करेंगे इंड्योरेंस स्टेमिना मेंटेन होगा थक रहे हैं बट फिर भी साइकिलिंग करनी है फिर कल को जिस भी स्पोर्ट में है, खेलने वो जाएंगे एथलीट तो उनके अंदर स्टेमिना होगा थकावट में भी जब भी उनमें फैटीक भी है तब भी काम करने का स्टेमिना उनके पास होगा काम मतलब है उनका काम क्या है अगर वो गेम खेल क्रिकेट खेल रहे तो क्रिकेट फुटबॉल खेले तो फुटबॉल बास्केटबॉल खेले तो बास्केटबॉल अकॉर्डिंग टू दिस मैथड इट द इंक्रीज ब्लड सेल्स एंड मसल्स जो बहुत जरूरी होंगे कल को अपनी आपकी बॉडी की अच्छी फंक्शनिंग के लिए इन दिस मैथड द वर्किंग एफिशियंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स गेट एनहेंस हार्ट अच्छे से फिर ब्लड सप्लाई करेगा फैटी में भी थकावट भी हो रही है पर जब हार्ट अच्छे से ब्लड सप्लाई करेगा एक एक ऑर्गन को तो फैटी कम होगा ठीक है जो लंग्स अच्छे से काम करेगी अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच रही होगी ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच रही होगी तो फिर थकावट नहीं होगी ठीक है इन दिस मेथड ग्लाइकोजन इन मसल एंड लीवर गेट इनक्रीज ग्लाइकोजन मसल और लीवर

आधे घंटे तक ये चलती है ठीक है उसके बाद होता है ठीक है तो फास्ट कंटिन्यूस मेथड में मैंने क्या कहा कि जब हार्ट बीट तेज है तो इसका मतलब ये है ना कि और ज्यादा देर आपका जो एक्टिविटी को नहीं हार्ट बीट तेज होगी तो थोड़ी कम देर होगी जैसे वो तीस तो में आप पंद्रह इसको कंप्लीट कर दोगे इफेक्ट क्या होते है? VO2 होता है इससे वी मैक्स इंप्रूव होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो सप्लाई हो रही है बॉडी की वो इंक्रीज हो जाती है मसल कौन ऑक्सीजन कंज्यूम करने की पावर बढ़िया हो जाती है इंक्रीज इन द साइज ऑफ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनरो कैपेसिटी यानी कि जो सांस लेते हैं ना एनरोबिक वो बढ़िया हो जाती है इससे क्या होगा कि फिर जब अगर कोई फास्ट कॉन्टिन्यूस मेथड ट्रेनिंग करने से क्या है कि आप लोग 20 मिनट तक फास्ट जल्दी 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 जब उसको साइकिल चलवाई जा रही है जॉगिंग कराई जा रही है प्लेयर को तो उससे क्या होगा उनको जो है स्पीड मेंटेन करते हुए भी जब उनको क्या होगा ऐसा नहीं होगा वो हाफना शुरू कर देंगे जैसे हम क्या हम अगर तेज भाग लेंगे पांच मिनट बाद हम हाफना शुरू कर देते हैं हमें सांस नहीं मिल रही होती है हमारे को अच्छे से बट जब फास्ट कॉन्टिन्यूस मेथड से ट्रेनिंग कर रखी होगी तो चाहे वो भाग रहे हैं बहुत तेज तो उनके अंदर उनकी बॉडी को ये आदत होगी उनको जो है पता होगा कि जब तेज भागते हुए में जो हम उस दिन पे खेलेंगे उन्होंने पहले एक्सरसाइज कर रखी है कि उनकी बॉडी को फिर उसी हिसाब से पूरा अच्छे तरीके से उनको ट्रेनिंग वो उन्होंने ले रखी होती है ठीक है, है इंटरवल मेथड इंटरवल मतलब होता है ब्रेक तो नाम समझ के पढ़ के ही आप समझ सकते हो कि इस मेथड में पहले तो हाई इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कराई जाएगी जब हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है तो फिर ब्रेक दे दिया जाता है जब हार्ट बीट नॉर्मल होती है तो फिर से हार्ट जो है हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कराई जाएगी ये मोस्ट वर्सटाइल मेथड होता है इंड्योरेंस को इंप्रूव करने का क्योंकि जब भी कोई स्पोर्ट्स गेम्स खेल रहे होते है, हैं यही तो होता है एकदम से हार्ट बीट जो है जब वो बहुत ज्यादा फिजिकली फोर्स एक्जर्ट करेंगे स्ट्रेंथ एक्जर्ट करेंगे तो क्या होगा जो है हार्ट बीट तेज हो जाएगी तो उस समय पर एंड्योरेंस अच्छा होगा तो फिर अपने आप हार्ट बीट जो है कंट्रोल होगी और इंड्योरेंस होगा तो थकावट नहीं होगी तो इसलिए जो है इंडियोरेंस को इंप्रूव करने के लिए यह सबसे बढ़िया मेथड होता है इसमें कंपेरेटिवली हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कराई जाती है पहले बिना ब्रेक के ठीक है इसमें क्या होता है वर्क डन शुड बी डन विद सफिशियंट स्पीड एंड ड्यूरेशन सो दैट द दार्ट वीट गोज अपन एट्टी बीट्स पर मिनट दिया जाता है फिर शॉर्ट इंटरवेल और जैसे ही हार्ट रेट ड्रॉप होता है बट टू बीट्स पर मिनट वर्क शुड स्टार्ट अगेन इसलिए इसको कहा जा रहा है जो है इंटरवेल मेथड इट इज बेज ऑन द प्रिंसिपल दैट वर्क शुड बी डन विद सफिशियंट स्पीड एंड ड्यूरेशन सो दैट हार्ट रेट गोज अप टू वन एट्टी बीट्स तो इसमें आपको ये ना बीट्स याद रखनी है हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कराएगी जब हार्ट बीट वन एट्टी पहुंच गए फिर ब्रेक लिया 120 से 30 में जब ड्रॉप हुई अगेन जो है एक्टिविटी को स्टार्ट जो है करवा लिया जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़िया हो जाता है एरोबिक कैपेसिटी बढ़िया हो जाती है तो एसिड जो टॉलरेंस है वो बढ़िया हो जाता है वीओट्यू मैक्स इंप्रूव होता है ठीक है क्या तो होंगे तो स्किन मेथड के मिडल डिस्टेंस रेस फुटबॉल हॉकी ठीक है ये होता है इनका एग्जाम्पल ठीक है इसमें क्या होगा पहले ना फिर चेक करी जाती है हार्ट बीट जो है जो है एथलीट की तब उन्हें ब्रेक दिया जाता है फिर जब वो वन ट्वेंटी टू वन थर्टी हो जाए नॉर्मली वन ट्वेंटी तो टू वन थर्टी हो जाए तो फिर उन्हें दोबारा खेलने को कह दिया जाता है इसके जो है फायदे क्या है इफ़ एन एथलीट परफॉर्म दिज एक्सरसाइज इन प्रॉपर वे दे विल इंप्रूव द वर्किंग कपैसिटी इन शॉर्ट टाइम वर्किंग कपेसिटी अच्छी हो जाएगी पॉजिटिव इफेक्ट होगा रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम पे ट्रेनर जो है ऑब्जर्व कर पाएगा प्लेयर को ईजिली ठीक है प्लेयर कम्स टू लर्न अबाउट द ऑफ़ ऑफिस ट्रेनिंग इफ द प्लेयर मिस्टेक्स इन एग्जीक्यूटिंग द कोच तो है वो उनको जो उनका ब्रेक टाइम होगा उसमें समझा पाएंगे कि आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा करना है और ऐसा करना है ठीक है अब आता है हमारा लास्ट मेथड जो है फाटलेग मेथड ये अनदर मेथड है हमारे इंडियोरेंस को जो है बिल्डअप करने का इसको कहा जाता है ये एक स्वीडिश कोच ने जो है जो है डिज़ाइन करा था जिनका नाम था गोस्ता होमर ठीक है इसको स्वीडिश प्ले भी कहा जाता है कई बार स्पीड प्ले भी जो है कहा जाता है अलग अलग टाइप के इसके नाम होते हैं ठीक है दिस मेथड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियोरेंस और स्पोर्ट ऑफ पर्सन इंडियोरेंस बिल्ड करने के लिए काम आता है अब ये ना काफ़ी अलग सा मेथड होता है इसमें क्या है इसमें बड़े अलग अलग टाइप की रनिंग कराई जाती है अलग अलग टाइप के जो है मेथड्स को इंक्लूड करके ये बनाया जाता है फाटलेक मेथड फाटलेक मेथड सबसे इनोवेटिव मेथड होता है इसमें क्या होता है इसमें मतलब कि एथलीट को ना एक जगह प्रोवाइड कर दी जाती है एक टेरेन प्रोवाइड कर दी जाती है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स होते हैं और उन्हें बता दिया जाता है दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ठीक है अब उनकी मर्जी है वो उस एक्सरसाइज को कभी जो है उन्हें पूरा परफॉर्म करना है जैसे एक जंगल टाइप का जो है सिनेरियो बना दिया उसमें कहीं पर पहाड़ चढ़ना है फिर जो है वॉक करना है फिर रिवर के पास से आपको स्विम करते हुए जाना है देन आप मान लो कि कुछ ऑब्स्टेकल्स लगा दिए हैं कि उनके ऊपर से जंप करते हुए जाना है तो अब वो है पूरा और फिर फिनिशिंग लाइन होगी बीच में कुछ क्लूज ढूंढने हैं कुछ हिंट्स ढूंढने पूरा एक तरीके का एक प्रॉपर ना ऐसा गेम टाइप बना दिया जाता है जिसमें नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स होते हैं जैसे कि हिल में हो गया रिवर आ गया फिर फॉरेस्ट आ गया फिर मिट्टी आ गई पूरा ऐसा प्रॉपर तरीके का ऐसा फाटलेक ट्रेनिंग मेथड में पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है अब उस सिस्टम में जो है एथलीट जो है हर एथलीट अपने हिसाब से उनका जब मन होगा वो तेज तेज़ भाग के स्टार्टिंग में करेंगे फिर थोड़ा सा थक जाएंगे थोड़ा रुकेंगे फिर वो बट फाइनली उन्हें कंप्लीट पूरा करना है एट दी एंड देखा जाता है जब वो उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को तो उनकी हार्ट बीट कितनी होती है और यूजली जब ये पूरा का पूरा चल रहा होता है फाटलिक ट्रेनिंग मेथड तो हार्ट बीट फ्लक्चुएट करती है वन से वन बीट्स पर मिनट पे दिस मेथड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंड्योरेंस ऑफ द स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन की इंड्योरेंस में ऑब्वियसली हेल्प कर रहा है ये इसमें अपने अकॉर्डिंग जैसे कि जो है फास्ट पेस मेथड में तो पक्का पता है कि भैया फास्ट जो है आपको पहले इस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है स्लो पेस में पता है इंटरवेल में पता है कि पहले बहुत हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है इसमें क्या है एक्सरसाइज नहीं है इसमें ओपन सराउंडिंग में जो है अलग अलग ऑब्स्टेकल्स के साथ एथलीट को लीव कर दिया जाता है एंड उनको जो है अपने हिसाब से उस वाले ऑब्स्टेकल्स को कवर अप करके टास्क को परफॉर्म करना है उसमें अब वो चाहे पहले जल्दी करेंगे फिर धीरे करेंगे पहले धीरे धीरे चलेंगे बाद में जल्दी चलेंगे अपनी मर्जी से उन्हें उसको कंप्लीट करना होता है इसको स्वीडिश प्ले या फिर स्पीड प्ले भी कहा जाता है जिसमें पेस पेस मतलब जो अपनी स्पीड है वो जो है एथलीट वो अपने हिसाब से चेंज करता है ठीक है तो तीनों मेथड्स हमारे कंप्लीट हो गए अब हम आएंगे अपने ने इसका फायदे बहुत सारे होते हैं वेट लॉस होता है एक्सीलेंट स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए इंड्योरेंस स्पीड बढ़िया हो जाती है माइंड माइंड चलता है भाई अब मैं ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा माइंड चलता है इसमें तो ये बहुत ही बढ़िया होता है किसी भी प्लेयर के लिए फाटलेक मेथड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्पीड स्पीड मतलब क्या है स्पीड होता है एबिलिटी किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी मूवमेंट को फास्टेड रेट परफॉर्म करने का ठीक है जो भी मूवमेंट जैसे भागना है तो आपको फास्ट भागना है दिस इज सिंपल स्पीड ठीक है तो स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी होती है रेसेस के लिए एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स के लिए स्पीड मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है ठीक है टाइप्स ऑफ स्पीड अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट होती है मूवमेंट स्पीड इट इज द एबिलिटी टू डू अ मूवमेंट इन अ मिनिमम टाइम किसी भी मूवमेंट को मिनिमम टाइम में करने के लिए लिए मूवमेंट स्पीड की जरूरत होती है इसके लिए बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मतलब सडनली आपको जो स्ट्रेंथ जब एकदम से यूज करनी है वो होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट आती है लोकोमोटर एबिलिटी होनी चाहिए लोकोमोटर एबिलिटी मतलब होता है मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस के लिए मेंटेन करने को लोकोमोटर एबिलिटी कहा जाता है अब भैया भागना तो है बहुत देर तक सौ मीटर भागना है दो सौ मीटर भागना है चार सौ मीटर भागना है बट इतनी एबिलिटी तो बॉडी के अंदर की इतनी स्पीड को इतनी देर के लिए मेंटेन कर पाएंगे तो उसके लिए जो है लोकोमोटर स्पीड होनी चाहिए ठीक है थर्ड आई द स्पीड इंड्योरेंस स्पीड इंड्योरेंस स्पीड इंड्योरेंस क्या है एबिलिटी टू परफॉर्म हाई स्पीड मूवमेंट अंडर कंडीशन ऑफ फेटी यानी कि हाई स्पीड मूवमेंट आपको मेंटेन करनी है थकने के बावजूद जिस प्लेयर में स्पीड इंड्योरेंस होगा चाहे वो कितनी ही देर तक भागना पड़े कितनी ही दूर भागना पड़े कितनी ही थकान हो रही हो बट वो उसी स्पीड को कंटिन्यू कर पाए स्पीड इंड्योरेंस होंगी तो वो कर पाएंगे दिस डिपेंड्स ऑन द टेक्निक लोकल मस्कुलर पावर इंड्योरेंस ये अपनी पर्टिकुलर इंड्योरेंस पर डिपेंड करते हैं तो सारे टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ते फर्स्ट इज रिएक्शन स्पीड एबिलिटी इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट द सिग्नल कोई सिग्नल मिला है जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है ना तो जो भी एक्शन हुआ है उसके लिए रिएक्ट आप करो ठीक है एक्सेलरेशन स्पीड एबिलिटी इट इज द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड इन अ मिनिमम पॉसिबल टाइम जैसे कोई रेस है स्प्रिंट रेसेस है मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपको अपनी मैक्सिमम स्पीड में आना है तभी आप सबसे आगे जाओगे मूवमेंट स्पीड एबिलिटी इट इज द एबिलिटी टू डू सिंगल स्मॉल मूवमेंट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम जिसमें आपको मूवमेंट जो है सबसे कम टाइम में उसको जो है कंप्लीट करना है लोकोमोटर एबिलिटी जो मैंने आपको बता दिया है मैक्सिमम स्पीड एज लॉन्ग एस पॉसिबल तक कंटिन्यू रखनी है आपको तेज तो भागना है बट बहुत देर तक भागना है स्पीड इंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू डू मूवमेंट एज क्विक एज पॉसिबल अंडर द कंडीशन ऑफ फेटिक थकान के बावजूद आपको जो है अपनी स्पीड को कंटिन्यू रखना है तो वो होता है आपका स्पीड इंड्योरेंस ठीक है अब ये बिल्ड कैसे होगा स्पीड स्पीड इंड्योरेंस तो उसके लिए सबसे पहला एक मेथड है एक्सेलरेशन के लिए होती run. है एक्सेलरेशन रन एक्सेलरेशन रन करने से क्या होता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी फ्लैक्सीबिलिटी अच्छी हो जाएगी मूवमेंट फ्रिकसेंसी बढ़िया हो जाएगी इससे क्या होता है जो स्प्रिंटर होंगे स्पीड की जरूरत किसको है स्प्रिंट रेसर को है तो उससे स्प्रिंट रेसर हाई स्पीड अचीव कर पाएगा स्टेशनरी पोजीशन से जैसे ही वो पिस्टल बजे की गो होगा तो वो स्टेशनरी पोजीशन से बहुत हाई स्पीड गैदर कर पाएंगे अगर उन्होंने एक्सीरेशन रन की ट्रेनिंग ले रखी होगी ठीक है एक्सेलेशन रन में होता क्या है डायरेक्टली जो है स्प्रिंटर को 25 से 30 जो है मीटर तक जो है 6 से 12 बार, बार स्प्रिंट कराया जाता है मैक्सिमम स्पीड जो है अचीव हो जानी चाहिए 5 से 6 सेकंड में और फिर इसके बीच में उनको इंटरवल्स भी दिए जाते हैं तो ये होता है एक्सेलरेशन रन आप रीड कर सकते हो एक्सेलरेशन रन के बाद नेक्स्ट होता है पेस रन मेथड ठीक है पेस रन run, मतलब रनिंग द होल डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन रन में क्या आपको बहुत तेज़ भागना है और वो तेज वाली एक एथलीट की ना स्पीड होती है तो वो पहले थोड़ा धीरे चलेंगे और फिर तेज भागते हैं एकदम से तो वो जो तेज स्पीड होती है एक्सेलरेशन रन में पाँच से छः सेकंड में वो तेज स्पीड पकड़ लेनी है एथलीट ने और पच्चीस से तीस मीटर भागना है छः से बारह बार ये प्रैक्टिस कराई जाती है एक्सेलरेशन रन में बट ये छः से बारह बार के बीच में उनको ऑब्वियसली जो है इंटरवल दिए जाते हैं बिट बट जो है पेस रन पेस रन इससे डिफरेंट होता है पेस रन में जो है होल डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड पे जो है वो चला जाता है जनरली 800 मीटर की रेस या उससे बड़ी जो रेसेस होती हैं उनमें पेस रेसेस जो है प्रैक्टिस कराई जाती है इसमें क्या है कि जो एथलीट है वो 300 मीटर जो या फिर इतना बड़ा मीटर 800 मीटर का वो एक जो है मिनिमम स्पीड पे जो है मेंटेन करता हुआ जो है चल पाए यानी कि शुरू में वो बहुत तेज़ दौड़ लिए उसके बाद उनके अंदर हिम्मत ही ना मजिए आगे तक दौड़ने की तो इसमें पेस को मेंटेन करने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करनी होती है तभी इसे कहा जाता है पेस रन एग्जाम्पल इफ देयर इज अ रनर ऑफ 800 हंड्रेड मीटर रेस हिज बेस्ट टाइम इज़ वन मिनट फोर्टी सेकेंड सो ही शुड रन फर्स्ट फोर हंड्रेड मीटर इन फोर्टी नाइन सेकेंड्स एंड नेक्स्ट फोर हंड्रेड मीटर इन फिफ्टी वन सेकेंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड पेस रन कि भैया फर्स्ट uh, आप पेस क्या होगी आपकी और आपकी सेकेंड पेस रन प्रैक्टिस कराई जाती है लॉन्ग रेसेस के लिए कि ऐसा ना सारी एनर्जी पहले यूज हो जाए थोड़ी एनर्जी बचा के भी तो रखनी क्योंकि इतना सारा जो है आप लोगों को डिस्टेंस कवर करना है इसमें देन नेक्स्ट हम आते हैं फ्लेक्सीबिलिटी अब फ्लेक्सीबिलिटी क्या है कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सीबिल है आप कैसे मूवमेंट परफॉर्म कर पा रहे हो स्पीड के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बॉडी में फ्लेक्सीबिलिटी नहीं होगी तो स्पीड नहीं आएगी बॉडी में फ्लेक्सीबिलिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड के लिए भी तो अब पढ़ते हैं पहले फ्लेक्सीबिलिटी कितनी टाइप की होती है फर्स्ट इज द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव फैसिलिटी मतलब क्या है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू जॉइंट मूवमेंट फॉर अ लॉन्गर रेंज विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प ठीक है आप खुद से कोई भी जो है मूवमेंट uh, जॉइंट्स की कर पा रहे हो बिना किसी ट्रेनर की हेल्प के जैसे आप स्ट्रेचिंग कर पा रहे हो बिना किसी ट्रेनर की हेल्प के ये दो टाइप की होती है स्टेटिक एंड डायनेमिक स्टेटिक तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज मतलब क्या हुआ एक्टिव फ्लेक्सीबिलिटी मतलब कि जो जो है खुद से फ्लेक्सिबिलिटी हो एथलीट के बॉडी में ठीक है ट्रेनर की हेल्प के बिना वो अपनी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल कर पाए दैट दे आर एबल टू तो डू द मूवमेंट्स एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी दो, दू दू दो टाइप की होती है एक स्टेटिक फ्लेक्सीबिलिटी जहां पे स्टेटिक पोजिशन में जो है जो भी एथलीट है उनको फ्लेक्सीबल रहना होगा एंड दूसरी होती है डायनेमिक फ्लेक्सीबिलिटी जहां पर वॉकिंग एंड रनिंग करते हुए भी जो है आपकी बॉडी फ्लेक्सीबल होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट आता है जो है हमारा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी को कैसे हम बना सकते हैं तो पहला मेथड है इसका स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड ये ट्रेनिंग है बिलिटी मेंटेन करने की तो स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड में क्या होता है वी स्ट्रेच आर जॉइंट टू मैक्सिमम लिमिट एंड होल्ड इट फॉर अ फ्यू सेकेंड लिखा है ना स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड यानी कि आपको अपने जॉइंट को मैक्सिमम लिमिट तक जो है स्ट्रेच करना है और फिर से होल्ड करना है फॉर अ फ्यू बिफोर रिटर्निंग टू इनिशियल इनिशियल जो में दो सेकेंड तीन सेकेंड आठ सेकंड तक होल्ड करना है ठीक है द मेथड इज यूज फॉर इंप्रूविंग पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी अब पैसिव फ्लेक्सीबिलिटी क्या होती है रीड करते हैं द एबिलिटी टू डू जॉइंट अ ग्रेट रेंज विद एन एक्सटर्नल हेल्प ऑफ अ पार्टनर फ्लेक्सिव फ्लेक्सिटी में आप हाँ, पार्टनर की हेल्प से जो है फ्लेक्सिबिलिटी

coordinative abilities. कॉर्बनेटिव एबिलिटीज़ वो एबिलिटीज़ होती है जो किसी भी इंडिविजुअल या एथलीट को वेरियस एक्टिविटीज़ प्रॉपरली करने में हेल्प करता है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं इनके बहुत सारे टाइप्स हैं जो अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो कोबोनेटिव एबिलिटीज़ क्या है वो एबिलिटीज़ जो कोई भी जो एक्टिविटी जो एथलीट कर रहा है उसे प्रॉपर वे में वो कर पाए उसे करने में उन्हें हेल्प करती है ठीक है कॉर्डिनेटिव एबिलिटीज़ प्राइमरी डिपेंड ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्योंकि कोई भी अगर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसमें ब्रेन का बहुत रोल होता है तो अगर कोबर्डिनेटिव एबिलिटीज अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है इसमें कौन कौन से टाइप की एक्टिविटीज़ होती है डिफरेंशियल एबिलिटी ओरिएंटेशन एबिलिटी तो अभी मैं रीड नहीं कर डायरेक्ट बताती हूँ ठीक है पहली कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है ओरिएंटेशन एबिलिटी इट इज एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एडजस्ट हिमसेल्फ एज पर द टाइम एंड कंडीशन ऑफ प्लेस ठीक है जो भी टाइम है कंडीशन है प्लेस में गेम के अंदर उसके हिसाब से खुद को जो है एडजस्ट करने को कहते हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी सेकेंड इज द कपलिंग एबिलिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ अ प्लेयर टू मूव हिज फिजिकल ऑर्गन इन ऑर्डर टू डू एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी है उसके लिए अपने फिजिकल ऑर्गन्स को अच्छे से मूव कर पाने को कपलिंग एबिलिटी बोला जाता है अपने हाई आई और हैंड के बीच में कॉर्डिनेशन करना आई स्वीट हैंड के बीच में कॉर्डिनेशन करना कपलिंग एबिलिटी की जरूरत है यह कॉर्डिनेशन जैसे वॉलीबॉल के अंदर बॉल को देखना है आर्म्स को लिफ्ट करना है फिर उसको जो है जो है ऐसे मारना है बॉल को तो ये पूरा कॉर्डिनेशन बिठाएंगे ना पहले देखा बॉल को फिर हैंड रेस करा फिर मारा तो कॉर्डिनेटिव एबिलिटी एबिलिटी होनी चाहिए तभी ये प्रॉपरली परफॉर्म हो सकता है रिएक्शन एबिलिटी रिएक्शन मतलब एक्शन होगा आपको रिएक्ट करना है आप रिएक्ट सही से कर पाओ इट इज अबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली टू अ सिग्नल जो भी सिग्नल आए उसके लिए आप जो है अच्छे से रिएक्ट कर पाओ इसके भी दो टाइप होते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी थर्ड वन फोर्थ वन इज़ अ बैलेंस एबिलिटी बैलेंस एबिलिटी मतलब है अपनी बॉडी को बैलेंस में रखना स्टेबल पोजिशन में रखना इट मीन्स टू रीगेन बैलेंस क्विकली आफ्टर डिस्टर्बिंग मूवमेंट और अगर डिस्टर्ब हो जाए मूवमेंट तो फिर से बैलेंस में वापस आना नेक्स्ट इज द रिदम एबिलिटी इज दिस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिदम ऑफ द मूवमेंट एंड टू डू मूवमेंट विद द रिक्वायर्ड रिदम जैसे कि जिम्मेस्टे हो गए या जो भी एथलीट्स होते हैं जिन्हें अपनी बॉडी को रिदम में रख के मूवमेंट को कंटिन्यू करना होता है तो जब रिदम एबिलिटी होगी उनके अंदर तो वो कर पाएंगे अडैप्शन एबिलिटी इट इज एबिलिटी टू एडजस्ट और ब्रिंग इफेक्टिव चेंज इन द मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन द सिचुएशन जैसे अडेप्टिवे एबिलिटी में मतलब कि कोई भी गेम होता है उसमें सिचुएशन बदलती रहती है तो उस सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करो ठीक है डिफ्रेंट सिनारियोज के अंदर अपनी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल कर पाओ डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी तो ये फाइव टू सिक्स टाइप की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आपको याद रखनी है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ वो एबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे मोटर कंट्रोल है भाई तुम्हारे को मूवमेंट करते है तुम्हें भागना है तुम्हें फिजिकली फिटनेस के लिए जो भी तैयारी करनी है तो उसमें तुम्हारे दिमाग का बहुत रोल है ऐसी आप एक्सरसाइज नहीं कर लेते हो तो दिमाग जब दिमाग बिल्कुल स्ट्रांग होगा आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी स्ट्रांग होगी तो आप कोई भी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे ठीक है अब आता है गाइस हमारा लास्ट टॉपिक दैट इज़ द सर्किट अब जो है ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को बढ़ा जो है इंक्रीज करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जैसे बॉल ball और बलून टॉस ठीक है ये आप रीड कर सकते हो ठीक है रोप जंप, रोप जंपिंग करने से भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इंक्रीज होती है बैलेंस एक्सरसाइजेस करना टारगेट एक्सरसाइजेस करना ये तरीके होते हैं जगलिंग करना ड्रिबलिंग करने से कोऑर्डिनेशन एबिलिटी जो आपका तालमेल है हाथों का आँखों का का और दिमाग का वो जो है बढ़िया कोऑर्डिनेशन के लिए ये ये, ये परफॉर्म करा जाता है विदाउट एनी अप्रेटर्स बिना किसी अप्रेटर्स के विद गिवन डोजेज ठीक है ये मेथड डेवलप था एडमिसन और मॉर्गन ने नाइनटीन में ये कंसिडर करा जाता है स्ट्रेंथ इंडियोरेंस को दोनों को जो है का जो है मेंटेन करने के लिए दोनों के लिए ही सर्किट ट्रेनिंग होता है तो अभी तक देखो सर्किट ट्रेनिंग मेथड हमारा लास्ट टॉपिक है अभी हमने अलग अलग एक्सरसाइज पढ़ी थी स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को बिल्ड करने की ये एक ऐसा तरीका है जिसमें स्ट्रेंथ इंड्योरेंस दोनों ही बिल्ड होता है इसको कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग मेथड इसको एडमसन एंड मॉर्गन ने जो है बिल्ड करा था नाइनटीन में सर्किट ट्रेनिंग मेथड एक साइंटिफिक मेथड है विच इज़ बेस्ड ऑन ओवरकमिंग वेरियस एक्सरसाइजेस एट वंस ठीक है इस एक्सरसाइज को सर्किट बोला जाता है सबको कंप्लीट करने का इसमें एक प्रॉपर प्रोग्राम होता है ठीक है तो इसमें बहुत नंबर ऑफ एक्सरसाइज को इकट्ठा कराया जाता है इसलिए सर्किट ट्रेनिंग इज अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग साइकिल यूज़ टू डेवलप फिजिकल फिटनेस ठीक है इसमें जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं मतलब आपको करनी है विदाउट एनी रिकवरी पीरियड यानी कि आपको बिना रिकवरी पीरियड टाइम ब्रेक का टाइम नहीं मिलेगा आपको लगातार चार पाँच छः टाइप की एक्सरसाइज करनी है जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो भाई पहले एथलीट को बोला तुम्हें करनी है सिटअप्स उसके बाद तुम्हें करनी है डिप्स फिर तुम्हें करनी है स्कीपिंग फिर तुम्हें करनी है बैक सेटअप फिर स्पॉट रनिंग करनी है फिर लॉन्ग पुशअप करना है फिर स्क्वैड करना है फिर कार्ट व्हील है फिर वापस सेटअप देन आपकी एक्सरसाइज ये सर्किट कंप्लीट होगा तो भाई इतनी सारी एक्सरसाइजेज जब इकट्ठी करनी होगी किसी एथलीट को तो वो इस स्पीड में भी करनी है उसे अब उसकी स्पीड भी बिल्ड होगी और इससे और फिर थकेगा जब वो तो वो उसे थकने नहीं देना है खुद को अपनी बॉडी को ट्रेन करना है दैट वो टायर्ड ना हो तो उनसे उनका एंड्योरेंस भी बिल्ड होगा तो सर्किट ट्रेनिंग मेथड स्पीड और एंड्योरेंस दोनों बिल्ड करने में काम आता है अब ऐसा नहीं है कि, कि भाई ऐसा कि भाई अब कोई भी आप अपने पास से बना दो नहीं जो ट्रेनर्स होते हैं जो कोचेज होते हैं दे नो किस टाइप की एक्टिविटी वो करवा सकते हैं एथलीट को तो वो सर्किट ट्रेनिंग मेथड को बनाते हैं ठीक है अब सर्किट ट्रेनिंग मेथड के जो है फायदे क्या है फिजिकल फिटनेस बहुत इंप्रूव होती है और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है इससे ठीक है इंटरेस्टिंग मेथड होता है कि कहा गया ये 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 टास्क आपको करना है तो एथलीट भी बड़े खुश होकर करते हैं दैट ये मेरा चैलेंज है शॉर्ट ड्यूरेशन की ज़रूरत होती है इसमें इंडोर आउटडोर दोनों जगह हो सकता है हर ऑर्गन का बॉडी केस में यूज होता है सुपरवाइज अच्छे से कोर्स करते हैं कोचेस में और काफी इंटरेस्टिंग होता है कि आपको ये पांच छह तरीके के एक्सरसाइज जो है करनी है तो पहले ना फर्स्ट से शुरू होकर लास्ट में जो है फर्स्ट वाली को दोबारा करना होता है जैसे ये व्हील के बाद सेटअप एक बार दोबारा करने होंगे यही आपको यहाँ पे बता रखा है वेन वन सर्किट इज कम्प्लीट वन बिगेन्स द फर्स्ट एक्सरसाइज अगेन फॉर द नेक्स्ट सर्किट ठीक है अब अगर जब पहला सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा एक बार ही एट एक्सरसाइज तक कर ली फिर ब्रेक दे कहा जाता है दोबारा इसी सर्किट को परफॉर्म करो तो इसको कहा जाता है सर्किट ट्रेनिंग तो सर्किट ट्रेनिंग आया तो ऐसा वाला डायग्राम जरूर बनाना तो विद दिस वी हैव कम्पलीटेड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर अभी आपको कोई क्वेरीज रह गई है तो मैंने नोट्स पेस्ट कर दिया नोट्स में से आप जो है सभी की इजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया क्या क्या मेथड है वो पढ़ लेना ठीक है तो मैं चलती हूं केयर एंड बेस्ट ऑफ लक ये चैप्टर कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन का हमारा सिलेबस कंप्लीट और जो है आपको अब नोट्स चेक करने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आई चेक कर सकते हो अगर आपको कोई भी जो है क्वेरीज हो तो वो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कम्युनिटी में भी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी और फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट चेक करो आप जो है वहां पर आपको सभी चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेन मिल जाएगा तो मैं चलती हूँ बाय